हेलो गाइस, तो आज हमारे पास में जो फ़ोन है रेडमी का 8 मॉडल नंबर है। और इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है कुछ मेजर प्रॉब्लम है, ये लगभग कई फ़ोन में देखने को मिल रही है। फ़ोन हमारा पूरी तरह से चालू होता है, पूरी तरह से वर्किंग में होता है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स वर्क नहीं करते हैं। अभी देख सकते हो मैंने सिम लगाया हुआ है, नेटवर्क भी आ रहा है, मैं LTE पर इसको सेव किया हूँ। अभी अब जैसे ही मैं फ़ोन को जो है वर्किंग में लूँगा, इंटरनेट यूज़ करूँगा, यूट्यूब वीडियोस वगैरह में कुछ भी यूज़ करूँगा, तो फ़ोन हमारा जो है ओवर हीटिंग का एरर देगा। उस कंडीशन में हमारा जो है कैमराज वर्क नहीं करता है, कभी नेटवर्क नहीं आता है, कभी सिम नहीं चलता है, और हमको जो है ओवर हीटिंग का इंडिकेटर शो हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको जो है डायग्नोस करना है। अभी ये देख सकते हो ओवर हीटिंग योर डिवाइस, ओवर हीटिंग मोबाइल डाटा, वाईफाई हॉटस्पॉट, GPS कैमरा विल बी रिस्ट्रिक्ट। ये जो प्रॉब्लम थे, हमारा फ़ोन जब ओवर हीटेड हो रहा है, तो ये जो सभी जो फ़ोन के फीचर्स हैं, कैमराज वगैरह, हॉटस्पॉट, ये सारी चीज़ें जो है वर्क नहीं करेगी। और जब हमारा फ़ोन कूल होगा तब ये वर्क करेगी, लेकिन जैसे ही हम फ़ोन को यूज़ में लेते हैं, फ़ोन हमारा कूल होता ही नहीं है और ये हीटअप होता जाता है। उस कंडीशन में हम जो है सिम भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, कॉलिंग भी नहीं होता है, और हमारा इंटरनेट भी यूज़ नहीं हो पाता है। और कैमरा जैसे ही ओपन करते हैं, तो ये इस तरह से जो है कैमराज में भी एरर आ रहा है, यानी कि हमारे कैमराज भी जो है ओपन नहीं हो रहा है, ना ही फ्रंट कैमरा ना ही बैक कैमरा, और वाईफाई हॉटस्पॉट, GPS, ये भी जो है वर्क नहीं करेगा। ये जो है प्रॉपरली मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ चेक करके, कि इस तरह से जब ये प्रॉब्लम आता है। और नेटवर्क अभी देख सकते हो कि नेटवर्क भी हमारा जो है पूरी तरह से नेटवर्क जा चुका है। अभी मैंने फटाफट जो है फ़ोन को कर लिया है डिसेबल, और अभी हम जो है मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे और कैमरास को निकाल कर साइड में रख देंगे। तो मदरबोर्ड को मैं जो है हाउसिंग से बाहर कर लूँगा और थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने जो है अभी कनेक्टर्स निकाल लिए हैं, और अभी मैं जो है यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये जो हमारी एक पावर आईसी लगी हुई है, और यहाँ पर जो है लाइट सेक्शन है। तो यहाँ पर किसी टेक्नीशियन ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है काम भी किया हुआ है, क्योंकि हाउसिंग निकले हुए हैं, ये मैंने नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो फ़ोन जो है रिपेयर होके आया है, और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से इसके जो है सभी हाउसिंग निकले हुए हैं, ट्रेस निकले हुए हैं। तो अभी जो है हम ये पावर आईसी, और इधर हमारा लाइट सेक्शन है पूरी तरह से। तो अभी हमको जो है इसमें फर्स्ट जो हमारी बूस्ट केबल है, बूस्ट केबल को हम जो है फाइंड करेंगे कि कहाँ पर बूस्ट केबल लगा हुआ है, क्योंकि अधिकतर जो ये हीटिंग का प्रॉब्लम होता है सभी फ़ोनों में, वो होता है हमारे बूस्ट कॉइल का। तो हमको जो है बूस्ट कॉइल को सर्च करना है, बूस्ट कॉइल किधर है। तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है जिसमें मैंने पेस्ट लगा है बूस्ट कॉइल है, तो ये एक डायोड के साइड में लगी होती है। फर्स्ट हम इस कॉइल को जो है रिप्लेस करेंगे। तो सभी फ़ोन्स में और रेडमी के, वीवो के जो भी फ़ोन्स हैं, इन मॉडल्स में ये कॉइल जो है एक डायोड के पास में लगी होती है। वहाँ पर डायोड छोटा भी हो सकता है, डायोड बड़ा भी हो सकता है, और वहाँ पर लाइट आईसी D8 भी लगी हुई हो सकती है। ठीक है, तो ये एक इसका जो है सिंबल है कि हम इसको जो है मदरबोर्ड में कैसे सर्च करेंगे, तो वो हम ये देख कर सर्च कर सकते हैं कि इस बूस्ट कॉइल के पास में एक डायोड लगा होता है। तो अभी ये कॉइल जो है मैंने निकाल ली है, और अभी मेरे पास में एक मदरबोर्ड है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मदरबोर्ड है, इसकी आईसी निकली हुई है, और देखिए ये जो कॉइल लगी है इसके नीचे एक डायोड लगा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। तो जो कॉइल हमने निकाली है वही सेम कॉइल हमको जो है निकाल कर दूसरे बोर्ड से लगाना है। तो ये मैंने बूस्ट कॉइल जो है मैं इससे निकालूंगा और वहाँ पर इसको हम लगा देंगे। तो अभी जो है मैं इसको मैंने निकाल ली है, और हमारा जो फ़ोन हम रिपेयर कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम है, उस फ़ोन में हम जो है ये कॉइल यहाँ पर इसको लगा देते हैं। ठीक है, प्रॉपरली जो कॉइल हम निकाल रहे हैं वही कॉइल हमको लगानी होती है, क्योंकि ये बूस्ट कॉइल होती है।
बक कॉइल नहीं होती है, यहाँ पर हम बक कॉइल नहीं लगा सकते, हमको यहाँ पर बूस्ट कॉइल ही लगाना होती है, यहाँ पर हम जम्पर भी नहीं कर सकते, इस चीज़ का खासकर ध्यान रहे। जो भी कंपोनेंट्स हम रिप्लेस करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसको पूरी सावधानी के साथ हमको रिप्लेस करना होता है कि जो कंपोनेंट हमने निकाला है वही सेम कंपोनेंट हमको लगाना होता है। बेटर होगा कि हमारे पास सेम मदरबोर्ड हो तो उससे हम सेम देखकर उसको जो है लगा सकते हैं। तो अभी मैंने जो है ये कॉइल को यहाँ पर लगा दिया है और अभी जो है पीसीबी की क्लीनिंग कर लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। ठीक है गाइस, तो अभी जो है इसको मैं एसीटोन या आईपी पेट्रोल किसी भी अच्छे लिक्विड से हम इसको क्लीन कर सकते हैं पीसीबी को। तो मैं इसको जो है ये अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। पीसीबी पर जो है बिल्कुल भी लिक्विड कहीं पर नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से हमको क्लॉथ की हेल्प से हमको उसको पूरा क्लीन करना होता है, पूरा सुखाना होता है, उसके बाद ही हम जो है इसमें बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम मदरबोर्ड पे अगर लिक्विड लगा हुआ है, पानी सा कुछ लगा हुआ है, तो हम वहाँ पर बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते। अभी मैं पूरा सेव कर लेता हूँ फ़ोन को। तो ये मैंने फ़ोन पूरा जो है सेव कर लिया है और अब हम जो है चेक करेंगे कि हमारा जो पहले जो प्रॉब्लम था वो अब शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले जो ओवरहीटिंग का इश्यू था वो हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देख सकते हो चार्जिंग भी प्रॉपर हो रहा है। फ़ोन को मैंने कर लिया है ऑन और फ़ोन जब तक ऑन होता है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। फ़ोन पूरी तरह से हो गया है ऑन और अभी हम जो है फ़ोन को थोड़ी देर यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने पहले थोड़ी देर यूज़ किया तो ओवरहीटिंग का जो है उसमें हमको एरर आया था। अभी हम देखते हैं कि इसमें जो है ओवरहीटिंग का एरर हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ़ोन हमारा जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है और अभी पहले कैमरा तो ओपन नहीं हो रहे थे, अभी देख सकते हो कैमरा जो है हमारा पूरी तरह से वर्क कर रहा है, कैमरा ओपन हो रहा है। ये बैक कैमरा है, अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा भी एक बार जो है दिखा देता हूँ कि फ्रंट कैमरा हमारा जो है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्रंट कैमरा भी एक बार देख लीजिए, ये देखिए फ्रंट कैमरा भी जो है पूरी तरह से प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम था ओवरहीटिंग का वो जो सॉल्व हो चुका है और नेटवर्क भी आप देख सकते हो अभी तक नेटवर्क जो है गए नहीं है, नेटवर्क भी हमारा जो है प्रॉपरली स्टेबल है, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। तो गाइज ये जो प्रॉब्लम होती है मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, किसी भी फ़ोन में जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी बूस्ट कॉइल से आती है, तो हमको जो है बूस्ट कॉइल को रिप्लेस करना है और हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। इस कंडीशन में हमारे फ़ोन का सीपीयू भी हीटअप होता है, पावर आईसी भी हीटअप होती है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हीटअप होते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं है कि सबको निकाल निकाल कर चेक करना है, हमको फर्स्ट डायरेक्टली जो है बूस्ट कॉइल को रिप्लेस करना है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हो मैंने फ़ोन को रिस्टार्ट भी कर दिया और पूरी तरह से हमारा फ़ोन वर्किंग में है। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और